नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम करेंगे भारतीय तर्कशास्त्र का एक अगला लेक्चर, जिसका नाम है प्रमाण। तो फ्रेंड्स, ये प्रमाण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने इंग्लिश में भी लेक्चर बनाया है। तो देखिए, हमारे दोनों मीडियम में लेक्चर आते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। तो अगर आपको वो भी देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको प्रमाण पूरा समझा दूंगा। तो इसके बाकी के जो टाइप्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पेपर वन पेपर टू का डेली वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू का फुल कोर्स पीडीएफ ले सकते हैं या घर बैठे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर के ऊपर। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। के प्रमाण के जो टाइप्स हैं, जो प्रकार है, उसको देखेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहले चलते हैं कि प्रमाण का अर्थ क्या है। देखिए, संस्कृत प्रमाण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाण और ज्ञान का साधन। यानी कि जो संस्कृत भाषा का शब्द है प्रमाण, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान का साधन। देखिए, सबसे पहले आपको मैं इसकी डेफिनेशन, जो इसकी वो है प्रमाण है, सिंपल शब्द में बताऊंगा प्रमाण होता क्या है। प्रमाण को इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। अब देखिए, आपने एमए किया होगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया होगा, कईयों ने पीएचडी किया होगा, तो वो कैसे पता चलेगा कि आपने पीएचडी किया है, एमफिल किया है, एमए किया है, कुछ भी किया है? वो आपको वो पता चलेगा आपके प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कोई व्यक्ति आपको आके गए कि मैंने एमए किया हुआ है, तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आप उसका प्रमाण पत्र देखोगे तभी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि प्रमाण एक ऐसी चीज़ है जो किसी प्रूफ के बारे में दर्शाती है। अब ये मान के चले कि किसी अदालत में आप देखिए फ्रेंड्स कि जज भी होता है, वकील भी होते हैं, तो वहाँ पे मुजरिम भी होता है। तो एक केस चल रहा हो कि हाँ वाकई ही उसने चोरी की है, चोरी के इल्ज़ाम में उसे ये पकड़ा हुआ है, तो ये कैसे प्रमाणित होगा, कैसे प्रमाण होगा इसका कि उसने चोरी की है? तो सीधे शब्दों में तो होगा नहीं, कहने से तो होगा नहीं, तो वो सबूत मांगेंगे। सबूत कैसे होगा कि जिस जगह पे चोरी की बात की गई है, अगर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में उसकी फ़ोटो आ चुकी है, कुछ भी उसका वीडियो बन चुका है, तो उसे प्रमाणित हो जाएगा, प्रमाण मिल जाएगा कि हाँ वाकई ही यही चोर है। तो किसी भी तरह से सिद्ध नहीं हो पाता तो उसे छोड़ दिया जाता है। तो कहने का सिंपल मतलब ये है कि प्रमाण एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रूफ किया जाता है, प्रमाण दिया जाता है कि हाँ ये वाकई ही ये इसने चीज़ की हुई है। जैसे आप सभी ने एमए किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, तो इसके लिए आपका प्रमाण पत्र मिला होगा जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि आपने ये चीज़ की हुई है, क्योंकि वो आपका एक प्रूफ है। तो इसका तात्पर्य भारतीय दर्शन में ज्ञान मीमांसा से है। इंग्लिश में ज्ञान मीमांसा को एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ज्ञान जो भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलॉसफी है, तो इसमें ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रमाण का ध्यान यह है कि कैसे सही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, कोई कैसे जान सकता है, कोई कैसे नहीं जान सकता, और किसी चीज़ के बारे में किस हद तक ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। तो प्रमाण का यह प्रमाण यानी कि यह देखता है प्रमाण का प्रमाण यह देखता है कि कोई जो है वो कैसे, कोई व्यक्ति कैसे सही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यानी कि हम कैसे सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रमाण में यह देखा जाता है। कोई कैसे जान सकता है या कितनी हद तक जान सकता है कि नहीं जान सकता, कुछ भी, तो ये प्रमाण में देखा जाता है, यानी कि किसी चीज़ को जानना, किस चीज़ को ना जानना, तो किस हद तक जानना, ये प्रमाण में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ सटीक ज्ञान और सत्य के सही साधनों के रूप में पहचान करते हैं। जो प्राचीन यानी कि जो एंशिएंट और मध्ययुगीन यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो भारतीय ग्रंथ हैं, उसमें एक्यूरेट ज्ञान यानी कि सटीक एक्यूरेट नॉलेज यानी कि सटीक ज्ञान और सत्य के लिए सही साधनों का उपयोग, यानी कि जो प्राचीन इतिहास है, जो मध्यकालीन जो इतिहास है, वहाँ पे अगर हमें करेक्ट नॉलेज या सत्य के बारे में जानना है तो उसके लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथों में प्रमाण के बारे में बहुत सारे प्रमाण के शब्द के बारे में बहुत सारी जगह पे ये पाया गया है, यानी कि जो प्रमाण शब्द है वो प्राचीन और मध्यकालीन जो भारतीय ग्रंथ है वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत हुआ है। अब देखिए, जो प्रमाण है उसके छह रूप हैं। प्राचीन काल और मध्यकालीन भारतीय जो ग्रंथ हैं उसमें प्रमाण शब्द की का इस्तेमाल किया गया है, उसके छह प्रकार बताए गए। पहला कौन सा है? देखिए,
संस्कृत शब्द है प्रत्यक्ष, यहाँ फ्रेंड्स प्रत्यक्षण था, यहाँ पे गलत लिखो गए। पहला है प्रत्यक्ष, फिर दूसरा है अनुमान या अनुमना, फिर तीसरा है अपमना, ठीक है, जैसे तुलना या उपमान भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है व्युत्पन्न यानी कि अर्थपति, फिर है अनुपलब्धि, फिर है शब्द। तो ये जो 6 टाइप्स है ये है प्रमाण की टाइप्स है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी को हम एक एक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। इनमें से प्रत्येक को भारतीय दर्शन के प्रत्येक स्कूल द्वारा सशर्तता, पूर्णता, आत्मविश्वास और त्रुटि के संभावना के संदर्भ में वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, इनमें से प्रत्येक को यानी कि जो 6 के 6 जो इसके भारतीय दर्शन में जो प्रमाण के 6 प्रकार बताए गए हैं, तो भारतीय दर्शन के यानी कि इंडियन फिलॉसफी के प्रत्येक स्कूल का मतलब होता है कि इंडियन फिलॉसफी में हर जगह पर यानी कि भारतीय दर्शन के हर एक जगह पर इसका इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड देखिए कि भारतीय दर्शन के प्रत्येक स्कूल द्वारा सशर्तता, पूर्णता, आत्मविश्वास, त्रुटि की संभावना के संदर्भ में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि जो ये 6 के 6 इसके जो प्रकार बताए गए हैं, ये भारतीय दर्शन के हर एक पार्ट में इसको वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि हमें जो प्रमाण है उसे हमें सटीक ज्ञान जो प्राप्त करना है, कई बार उसमें त्रुटियां भी आ जाती हैं यानी कि गलतियां भी आ जाती हैं। दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बिल्कुल सही हो, तो हर एक चीज़ में गलती कोई ना कोई होती है। तो प्रमाण के जो 6 इसमें प्रकार बताए गए हैं, उसी के आधार पर भारतीय दर्शन में इनको तो बताया गया है, साथ में इनमें त्रुटि होने की संभावना भी बताई गई है। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट, प्रमन्ना शब्द यानी कि प्रमाण शब्द आमतौर पर हिंदू धर्म के विभिन्न स्कूलों में पाया जाता है। यानी कि प्रमाण शब्द जो है वो हिंदू धर्म के विभिन्न स्कूल यानी कि जहाँ पे हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था, हिंदू धर्म के बारे में जहाँ पे जानकारी है वहाँ पे इसे प्रमाण को पढ़ाया जाता है। बौद्धिक इतिहास में प्रमाण को परमवदा के रूप में संदर्भित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हिंदू धर्म में तो पढ़ाया गया है, बौद्धिक साहित्य में प्रमाण को परमवदा के रूप में संदर्भित किया गया है। परमन्ना भी युक्ति की भारतीय अवधारणा से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रमाण है यानी कि जो प्रमन्ना है, जिसे इंग्लिश में प्रमन्ना है, इंग्लिश में हिंदी में प्रमाण है, इसको भी युक्ति की तरह देखिए, भारतीय जो फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, उसमें जो अवधारणा है, देखिए फ्रेंड्स जैसा कि प्रमाण है वैसा ही भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो अवधारणा है, वहाँ पे एक और शब्द था युक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा प्रमाण है वैसा ही युक्ति है। युक्ति का अर्थ है कि किसी चीज़ को सोच समझ के करना, ठीक है फ्रेंड्स। हम किसी चीज़ के प्रमाण पर कैसे पहुँचते हैं, जब हमें उसकी युक्ति पता हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रमन्ना भी और युक्ति भी दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं हमारे भारतीय दर्शन में या भारतीय अवधारणा में, ठीक है। जिसका अर्थ है एपिस्टेमोलॉजी का सक्रिय अनुप्रयोग, या जो पहले से ही जानता है, नवाचार, चतुराभ्यास या कनेक्शन, कार्यप्रणाली या तर्कचाल, एक साथ जुड़ना, आकस्मिकता, साधन विधि नवीनता का अनुप्रयोग अधिक कुशलता से एक उद्देश्य से प्राप्त करना है। तो फ्रेंड देखिए इसमें है क्या एपिस्टेमोलॉजी, तो फ्रेंड देखिए इसमें है क्या जो एपिस्टेमोलॉजी, जिसे हिंदी में ज्ञान मीमांसा कहते हैं, तो इसमें है क्या कि जैसे नवाचार, कोई नवा ज्ञान हो, कुछ चतुराभ्यास हो, कुछ कार्यप्रणाली, कुछ भी हो, तो इसमें वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जिसके आधार पर वे एक प्रमाण पे पहुँचते। जैसे कि देखिए, हम ये जानते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ के लिए युक्ति है, उस युक्ति को फॉलो करते करते हम एक प्रमाण पर पहुँच जाते हैं। यानी कि प्रमाण तक पहुँचने के से पहले हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम किस चीज़ को, किसी ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमें किसी साधन की, किसी विधि की, कई चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है युक्ति और प्रमाण पर कुछ भारतीय ग्रंथों में एक साथ चर्चा की गई है, जिसमें युक्ति को अवलोकन, धारणा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के निष्क्रिय प्रक्रिया के विपरीत ज्ञान प्राप्त करने की सक्रिय प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या है, कई भारतीय ग्रंथों में क्या है कि युक्ति और प्रमाण के साथ एक साथ चर्चा की गई है, यानी कि उसमें युक्ति को भी बताया गया है, उसमें प्रमाण को भी बताया गया है। इसमें क्या है, युक्ति का अवलोकन, वही बात फिर से आ गई, यानी कि युक्ति का अवलोकन करके यानी कि हमें ये पता करना होगा कि हमें किस चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, उस चीज़ को पहले हम ध्यान में रखेंगे, उसके ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रमाण पर पहुंचेंगे। तो हमें तो प्रमाण सिद्ध करना है, प्रमाण सिद्ध करने के लिए हमें युक्ति की सहायता लेनी पड़ेगी।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि निष्क्रिय प्रक्रिया के विपरीत ज्ञान प्राप्त करने के सक्रिय प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसमें क्या है कि जैसा युक्ति के माध्यम से, जैसे जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसमें है क्या, निष्क्रिय प्रक्रिया के विपरीत ज्ञान। तो यानी कि जो हमें चीज़, हमें जो ज्ञान प्राप्त, हमने जो प्राप्त किया है, इसमें ये बताया गया है कि जो निष्क्रिय प्रक्रिया के जो विपरीत ज्ञान है, हमें सही प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि जब हम जो चीज़ एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए, जो चीज़ प्राप्त करते हैं, वो हमें सही प्रमाण तक पहुंचा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ज्ञान तो दो तरह से प्राप्त हो सकता है, एक ज्ञान है सही, एक ज्ञान है गलत। अगर हमें सही ज्ञान की प्राप्त करनी है, तो हमें सही सक्रिय प्रक्रिया के रूप में उसे प्राप्त करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट है देखिए, विशेष रूप से सांख्य, योग, मीमांसा और अद्वैत वेदांत हिंदू धर्म के स्कूलों द्वारा प्रमाण के ग्रंथों में अनेक उनके अर्थ और गलतियां शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो विशेष रूप से जो सांख्य है, योग है, मीमांसा है, अद्वैत सिद्धांत है, ये हिंदू धर्म के स्कूलों द्वारा प्रमाण, देखिए फ्रेंड, जो प्रमाण शब्द है उसका, जो हिंदू धर्म के स्कूल हैं, स्कूल मतलब कि सांख्य, योग, मीमांसा और द्वैत वेदांत, इन्हें हिंदू धर्मों के स्कूल जो है वो बताया गया है। यहाँ पे क्या है कि प्रमाण शब्द का प्रयोग हुआ है, साथ में ये भी बताया गया है कि प्रमाण शब्द के साथ साथ उसके बारे में जानकारी जो दी गई है, साथ साथ में उसके बारे में जो जो गलतियां हैं उसे भी बताया गया है। यानी कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हो सकता है हमें वहाँ पे गलतियाँ भी मिल जाएँ। प्रमाण के साथ साथ गलतियाँ के बारे में भी दर्शाया गया है। यही कारण है कि मनुष्य गलती करते हैं और गलत ज्ञान तक पहुंचते हैं। अगर कोई जान सकता है तो कैसे हो सकता है गलत है, और यदि ऐसा है तो कोई कैसे पता लगा सकता है कि वहाँ हमारी पत्ति त्रुटिपूर्ण है, या किसी के निष्क्रिय सत्य को त्रुटिपूर्ण बनाया गया था ताकि स्वयं का संशोधित किया जा सके और सही ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इसमें फ्रेंड कुछ नहीं है कि जो सांख्य, योग, मीमांसा और अद्वैत सिद्धांत, जो अद्वैत जो वेदांत है हिंदू धर्म के स्कूलों द्वारा, यहाँ पे पहली बात तो की गई है, बात की गई है प्रमाण की, साथ ही गई है गलतियाँ की। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि अगर हम प्रमाण के चक्कर में, अगर हम प्रमाण को प्राप्त करते हैं, तो वो किसी ज्ञान के द्वारा प्राप्त करेंगे, तो उस ज्ञान में गलतियाँ भी हो सकती हैं। तो कई बार क्या होता है कि गलत ज्ञान के चक्कर, की चीज़ को प्राप्त करने के चक्कर में कुछ जो मनुष्य हैं वो गलती कर लेते हैं, गलत ज्ञान तक पहुंच जाते हैं। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने वो चीज़ गलत प्राप्त की है, उनको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो कैसे उनको सही कर सकता है? यानी कि जब एक इंसान किसी गलत ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो उसे सही ज्ञान की प्राप्त करनी होती है, तो उसे कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा उनकी गलतियों से, जो किसमें बताई गई हैं, सांख्य, योग, मीमांसा और अद्वैत वेदांत में। यानी कि हमारा टारगेट क्या है, प्रमाण तक पहुंचने का। तो अगर हमें गलत ज्ञान की प्राप्ति होती भी है, गलतियां होती भी हैं, तो इसके द्वारा वो सही करने का सुझाव भी यहाँ पे दिया गया है। हमें प्रमाण दो तरह से प्राप्त होगा ना, सही का भी गलत का भी। कोई चीज़ गलत है इसका भी प्रमाण हो जाएगा, कोई चीज़ सही है उसका भी प्रमाण हो जाएगा। तो कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, उसके प्रमाण के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। तो आगे हम इसके टाइप्स करेंगे, तो हर एक लेक्चर में दो दो टाइप्स होंगी, उसके 3 या 4 लेक्चर बनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।